इम्पास्टो पेंटिंग कितना इंटरेस्टिंग होता है ना। जितना इंटरेस्टिंग ये पेंटिंग होता है उतने ही इंटरेस्टिंग इसके पेंटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि पैलेट नाइफ्स जिनको पेंटिंग नाइफ्स भी कहते हैं। और इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं इनके सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि स्पून्स, केक कटिंग नाइफ्स और फोर्क्स। तो चलिए आज आराम देते हैं इन पैलेट नाइफ्स को और एक पेंटिंग बनाते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आसानी से हमें हमारी किचन में मिल जाएंगी। कुछ व्यूवर्स जानना चाहते थे कि छुरी, कांटे और चम्मच का प्रयोग हम पेंटिंग में कैसे कर सकते हैं, तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वन है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम एंड अ वॉर्म वेलकम फ्रॉम जिगीशा। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल राइट अवे। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पेंटिंग के लिए स्पून्स का सिलेक्शन कैसे करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दिया है। ये है एक बटर नाइफ जो आज हम हमारे पेंटिंग में यूज करने वाले हैं और हम कैमल के कैनवस बोर्ड पे पेंटिंग बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मास्किंग टेप लगा के इस बोर्ड को हम पेंटिंग के लिए तैयार करते हैं। इस बार हम मास्किंग टेप जरा क्रिएटिवली अप्लाई करेंगे डबल फ्रेम का इफेक्ट बनाने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेंटिंग, जब एंड में हम ये मास्किंग टेप हटाएंगे तो देखिएगा हमारा पेंटिंग कितना इम्प्रेसिव दिखेगा। और पेंटिंग में जिन पेंट्स का प्रयोग हुआ है उसकी लिस्ट भी वीडियो के एंड में इंक्लूडेड है। तो लो जी, ये हो गया और झटपट शुरू करते हैं हम इम्पास्टो पेंटिंग यूजिंग स्पून्स, फोर्क एंड नाइफ।
चलिए, वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. आई एंजॉयड मेकिंग इट. होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट. इफ सो, डू गिव अ थम्स अप टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज. होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.